मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं विधानसभा एक के प्रवक्ता तथा रणनीति समन्वयक राकेश सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राकेश सिंह यादव ने विधानसभा एक के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय को श्रीमान बजर बट्टू कहा और उनसे पूछे गए सवालों का जवाब मांगा। देखिए, आज विधानसभा एक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन किया गया है श्रीमान बजर बट्टू, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में आकर झूठ बोलना शुरू किया है, झूठे वादे करना शुरू किए हैं, उन एक एक वादों की पोल खोली गई है। उन्होंने दावे किए थे कि इस क्षेत्र में स्विमिंग पूल बनाया जाएगा अपने भाषणों में। हमने सवाल पूछा है कि विधानसभा तीन में जो उनके ही परिवार उन्हीं के घर में थी, जिसके वह अघोषित विधायक थे, क्या वहाँ पिछले 5 साल में स्विमिंग पूल बनाया गया? पहले उसका जवाब था। उन्होंने बोला है कि खेल का मैदान बनाएंगे। हमने पूछा है कि विधानसभा तीन में खेल का मैदान उन्होंने बनाया, वो खुद एक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इंदौर में, उस एसोसिएशन के पास खुद का खेल का मैदान नहीं है बच्चों के खेलने के लिए पिछले 10 साल से, जब वो वहाँ उपलब्ध नहीं करा पाए तो विधानसभा एक में कैसे उपलब्ध कराएंगे? स्कूल कॉलेज के निर्माण का झूठ बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल के शासन में एक बार भी स्कूल या कॉलेज के निर्माण की कोशिश विधानसभा एक में नहीं की। बात वो करते हैं नशे की, अधिकारियों को धमकी देते हैं, अपने आप को विधायक बताते हैं, इसीलिए उनका नाम श्रीमान बजर बट्टू रखा गया है। और अगली 17 तारीख तक जब तक मतदान होगा विधानसभा एक में, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें इनको इसी नाम से बुला जाएगा, श्रीमान बजर बट्टू, क्योंकि क्षेत्र की जनता एक ऐसा विधायक चाहती है, एक ऐसा व्यक्तित्व चाहती है जो उनका भाई या बेटा हो, जो उनके परिवार का सदस्य हो। वो ऐसा विधायक या ऐसा व्यक्ति नहीं चाहती है जिससे उसको डर लगे, जिसके साथ गुंडों का सैलाब हो, जिसके पास अहंकार हो, जो बात करने में बात बात में बोलता है कि उसको किसी के हाथ वाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो चुनाव जीत चुका है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा और ऐसे लोग जो माताओं बहनों को बेटियों को सूर्पनखा की उपाधि देते हैं और हंसते हैं, और उस हंसी को विधानसभा क्षेत्र एक की जनता याद रखेगी, ताकि ये पता चल सके उस दिन जिस दिन मतदान हो कि जिनको सूर्पनखा बोला था उनने किस तरीके से 3 दिसंबर को इस प्रत्यक्षी श्रीमान बजर बट्टू को सूर्पनखा बनाकर वहाँ से वापस अपने घर रवाना किया है। निश्चित तौर पर वो जाति आधार पर चुनाव ले जाना चाह रहे हैं, उनकी कोशिश ही यही है। इस तरह के लोगों को समर्थन दिया जाता है जो दूसरी जाति के लोगों को अपमानित करें उस पर वो खुश होते हैं। 10 साल पुराने पैटर्न पर चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे, सक्रिय राजनीति में उपलब्ध थे नहीं, बंगाल में चुनाव हार चुके हैं, आज तक केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहे हैं, आज तक राज्यसभा सदस्य नहीं बन पाए हैं, आज तक लोकसभा सदस्य नहीं बन पाए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी खुद को अपना आपको बड़ा नेता मानते हैं। अब उनकी गलत फहमी है तो उसकी गलत फहमी जो रहे उनकी जो गलत फहमी है उसको तो जनता ही दूर करेगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।